देश में कोरोना मरीजों की संख्या 23,000 के पार पहुंची। कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 700 से ज्यादा हुआ। 4,749 लोगों को इलाज के बाद किया गया ठीक। राजधानी दिल्ली के जगजीवन राम अस्पताल के डॉक्टर समेत 7 स्टाफ कोरोना से संक्रमित। दिल्ली एम्स का एक कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव। नॉर्थ दिल्ली नगर निगम का भी एक कर्मचारी पॉजिटिव। दिल्ली में अब तक 2,500 से ज्यादा संक्रमित, 50 लोगों की हुई मौत। पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरपंचों को किया संबोधित। पीएम ने लॉन्च की स्वामित्व योजना। कहा गांवों ने दिया 2 गज दूरी का मैसेज। कोरोना से लड़ रही दिल्ली के लिए अच्छी खबर। पहले स्टेज में प्लाज्मा थेरेपी कारगर। दिल्ली में कोरोना 4 मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल। केजरीवाल बोले नतीजे उत्साहवर्धक, डोनर का रोल अहम। उत्तर प्रदेश के सदरपुर सीट से बीजेपी विधायक राकेश राठौर का ऑडियो वायरल। पार्टी ने दिया नोटिस। बीजेपी विधायक ने कहा था ताली थाली और शंख बजाकर कोरोना भगाने पर मूर्खता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। वो आपकी नौकरियां लेंगे और कहेंगे वायरस भगाने के लिए ताली बजाओ। सोनिया गांधी के बयान पर शिवराज सिंह का पलटवार। कहा कांग्रेस नेताओं ने अपनी सभी रियासतें सांप्रदायिक महामारी फैलाकर ही बनाई। सोनिया ने कहा था देश में सांप्रदायिक पूर्वाग्रह और नफरत का वायरस फैला रही है बीजेपी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने की रमजान के महीने में आजम खान और उनके परिवार को जेल से रिहा करने की मांग। कहा आजम खान पर सरकारी इशारों पर दर्ज किए गए तमाम मुकदमे हैं फर्जी। उन्हें जेल में रखकर किया जा रहा है प्रताड़ित। तो उनकी छवि बिगाड़ने पर तुला है सत्तारूढ़ दल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अपनों ने ही उठाए सवाल। चिराग पासवान बोले नीतीश सरकार की वजह से 14.5 लाख लोगों को नहीं मिल रहा राशन का लाभ। पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी सीआरपीएफ के ट्रेनी अफसरों की पासिंग आउट सेरेमनी। मैदान में नहीं होगी सलामी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सेरेमनी को करेंगे संबोधित। जल्द चालू होगी दिल्ली मेट्रो। लॉकडाउन के बाद मास्क आरोग्य सेतु ऐप के बिना मेट्रो में नहीं होगी एंट्री। नई गाइडलाइंस तैयार करेगा सीआईएसएफ। रमजान पर तेलंगाना के क्वारंटीन सेंटर में खास इंतजाम। तेलंगाना सरकार ने जारी किया शहरी और इफ्तार का मेन्यू। जरूरतमंदों के बीच भी राहत पैकेट बांटने की तैयारी में सरकार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो से की फोन पर बात। माइक और जयशंकर ने महामारी को नियंत्रित और कम करने के लिए द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर की चर्चा। अमेरिका ने दवा सहयोग पर भारत को फिर किया धन्यवाद। विश्व स्वास्थ्य संगठन पर अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का बयान। कहा अमेरिका की WHO में वापसी मुश्किल। जरूरत पड़ी तो खुद बनाएंगे अपना वैश्विक संगठन। WHO के लिए चीन ने खोला खजाना। 3 करोड़ डॉलर के दान का किया ऐलान। चीन पहले ही WHO को दे चुका है 2 करोड़ डॉलर। 21 अप्रैल से जन उपयोगी सेवाओं में शामिल किया गया बैंकिंग सेक्टर। बैंकों में 6 महीने तक नहीं होगी कोई हड़ताल। सरकार ने लागू किया नया नियम। 21 अक्टूबर तक लागू रहेगा नया नियम। म्यूचुअल फंड में फंसे निवेशक। फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड ने 6 क्रेडिट फंडों की स्कीम को किया बंद। निवेशक नहीं निकाल पाएंगे पैसा। फंड उद्योग की 8वीं सबसे बड़ी कंपनी है फ्रैंकलिन। आज 47 साल के हुए सचिन तेंदुलकर। खेल जगत के दिग्गज समेत फिल्मी सितारों ने सचिन को जन्मदिन की दी बधाइयां। भारतीय टीम के कोच रवि शास्त्री ने कहा आपकी विरासत रहेगी अमर। कैंसर से जूझ रहे डिंकू सिंह को स्पाइस जेट एम्बुलेंस से दिल्ली लाया गया। एशियन गेम्स में जीत चुके हैं गोल्ड। इम्फाल के रहने वाले पूर्व भारतीय बॉक्सर डिंकू सिंह का लॉकडाउन के चलते लिवर कैंसर के इलाज में आ रही थी दिक्कत। अमिताभ बच्चन ने रमजान शुरू होने की दी मुबारकबाद। शेयर की अपनी फिल्म कुली की तस्वीर। आज देखा जाएगा चांद। चांद दिखा तो कल से शुरू होगा रमजान। फिर मदद के लिए आगे आए सोनू सूद। 25,000 प्रवासी मजदूरों की ली जिम्मेदारी। रमजान के पाक महीने में मुहैया कराएंगे खाना। इससे पहले डॉक्टर्स के स्टे के लिए दे चुके हैं अपना होटल।